नमस्कार बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर एटीन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ग्रुप नंबर एटीन की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो एलिमेंट्स कौन से हैं हीलियम है नियोन है आर्गन है क्रिप्टोन है जीनोन है रेडोन एंड ओगेंसन ठीक है ये सारे एलिमेंट्स इनके अंदर प्रजेंट होंगे ऑल दीज गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव ये गैसेज कैसी है बेटा केमिकली अनरिएक्टिव है ये गैसेज ठीक है ये केमिकली अनरिएक्टिव जिन वर्ड्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ उन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा केमिकली अनरिएक्टिव है क्यों है बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल gases बेटा जी इनका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आता है अगर हम लोग ए, हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो कॉन्फिग्रेशन होगा वो आपका वन एस टू कॉन्फिग्रेशन होगा बाकी सब की बात करें अगर तो बाकी सब का कॉन्फिग्रेशन होता है बेटा एन एस टू एन पी सिक्स यहाँ देखिएगा आप कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं यहाँ पर एट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन है बाकी नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेडोन का वो एन एस टू एन पी सिक्स होगा अब एन आपका पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा अगर नियोन आपका सेकेंड पीरियड के अंदर आता है तो एन की जगह टू वैल्यू पुट करोगे आर्गन आपका थर्ड में आता है तो एन की जगह थ्री वैल्यू पुट करोगे तो इसके बेसिस पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको नोबेल गैसेस बोला जाता है और ये अनरिएक्टिव है केमिकली इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है यहाँ तक क्लियर होगा अब अक्योरेंस की अगर बात करें बेटा यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बट फिर भी अपन अक्यूरेंस को एक बार डिस्कस करते हैं ऑल दीज गैसेज एक्सेप्ट रेडोन एंड ओगेंसन अकर इन द एटमोसफियर सिर्फ रेडोन और ओगेंसन को छोड़ के बेटा जी जितनी भी हीलियम न्योन आर्गन क्रिप्टोन और जीनोन होते हैं यह आपके एटमोसफियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं देयर एटमोसफेयर एटमोस्फेयरिक अबेंडेंस इन ड्राई एयर इज़ वन परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ विच आर्गन इज द मेजर कॉन्स्टिटेंट यहाँ पर क्या होता है बेटा जो हीम न्योन आर्गन क्रिप्टोन जीनो ने सब मिला के आपका अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंट होता है वन परसेंट के अराउंड होता है जिसमें भी आपका मैक्मम अमाउंट किसका होता है मैक्मम अमाउंट आपका आर्गन का होता है ठीक है हीम एंड समटाइम्स न्योन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हीलियम और नियोन होंगे बेटा वो मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन होते हैं लाइक एग्जाम्पल पिचविलेंट मोनेजाइट क्लेवाइट ये सब तीनों आपके क्या है बेटा मिनरल्स है इनके अंदर भी आपको हीलियम और नियोन मिल सकता है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा कि हीलियम और नियोन जो आपका है वो मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल पिचब्लैन मोनाजाइट क्लेवाइट अब हम लोग अगर आगे बात करें द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस बेटा जी ये याद रखिएगा हीलियम का जो मेन सोर्स होगा वो कौन होगा आपका नेचुरल गैस हीलियम का मेन सोर्स होगा ठीक है हीलियम का मेन सोर्स कौन होगा आपका नेचुरल हीलियम का जो मेन सोर्स है बेटा जी वो क्या है आपका नेचुरल गैस है यानी नेचुरल सोर्स कौन हीलियम है द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस जीनोन एंड रेडोन आर द रेरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप तो याद रखिएगा जीनोन जीनोन एंड रेडोन की अगर हम लोग बात करें जीनोन और रेडोन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये दोनों आपके क्या है रेयरेस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जीनोन एंड रेडोन आर द रेरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप रेडोन इज ऑप्टेन एज डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम ये क्वेश्चन कभी पूछा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आप रेडियम रेडियम क्या है बेटा 88 इसका एटॉमिक नंबर है 226 इसका एटॉमिक मास है जब आप इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेडोन मिलेगा और साथ में एक हीलियम पार्टिकल आपका बाहर निकलेगा तो आप एटी इसका एटोमिक नंबर है और टू हीम का दोनों का सम कीजिए एटी आएगा और टू 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 का एटोमिक मास है और हीम का फोर है दोनों का सम कीजिए आप टू आपके पास इसका मास ठीक है अब अगर हम लोग बात करें ओगेंसन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ सीएफ सीएफ का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 98 और एटॉमिक मास 249 जब आप इसमें कैल्शियम आयंस का बंबारमेंट करवाएंगे कैल्शियम को इसके साथ क्लोइड करवाएंगे तो बस कुछ नहीं करना आपको ओगेंसन आपके पास बनेगा और कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे बेटा तीन न्यूट्रॉन आपके पास क्या बन रहा है ओगेंसन बन रहा है बट देखिए आप ये जो टेबल लिखा हुआ है इसमें अपन लोग ओगेंसन को डिस्कस नहीं कर रहे ठीक है थीके? तो इसलिए ओगेंसन इतना इम्पोर्टेंट अपने लिए है नहीं बस ये रिएक्शन आपको बस ये रिएक्शन आपको याद रखनी है ठीक है जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा वो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है सिर्फ ये वाली रिएक्शन ठीक है जी ओके बेटा अब सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन है एनसीईआरटी का व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबेल गैसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया बेटा द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप एटीन हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड एंड देयर फॉर रिएक्ट विद ए फ्यू एलिमेंट्स ओनली अंडर सर्टन कंडीशन देयर फॉर दे आर नाउ नोन एज नोबल गैस इनका जो आउटर ऑर्बिटल है आउटर शेल जो है बेटा इनका या आउटर वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है आप ये बोल दीजिए वैलेंस वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जो है बेटा इनके वो क्या है बेटा जी कम्प्लीटली फील्ड है बेलेंशियल ऑर्बिटल्स इसके क्या है बेटा कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं नोबेल गैसेज बोलते हैं ओगेन्न हैज़ इट्स सिंबल ओ जी एटोमिक नंबर वन वन एट एटोमिक मास टू नाइनटी फोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रेडोन फाइव एफ फोर्टीन सिक्स डी टेन सेवन एस टू एंड सेवन पी सिक्स ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओ जी हैज बिन प्रोड्यूस हाफ लाइफ जीरो पॉइंट सेवन मिली सेकेंड है, है बेटा तो इतना स्टेबल है नहीं अगर ये बनेगा भी तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा ये ठीक है हेयर एक्सेप्ट एंड देयर फॉर मेनली प्रोडिक्शन अबाउट इट्स केमिस्ट्री हैड हेयर एक्सेप्ट फॉर ओगेंसन इम्पोर्टेंट एटोमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एटीन अलॉन्ग विदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर गिवन इन टेबल सेवन पॉइंट वन टू द ट्रेंड्स इन सम ऑफ द एटोमिक फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप आर डिस्क हेयर यहाँ सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है बेटा जी एटोमिक नंबर मास कॉन्फिग्रेशन रेडियस आइनश एंथेल्पी इलेक्ट्रॉनगिन एंथेल्पी डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमोस्पिर कॉन्सटेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है आपको ठीक है हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे बट इन प्रॉपर्टीज़ का जो डिस्कशन होगा अपन यहाँ पे करेंगे ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एनएस टू एन पी सिक्स होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा हीलियम का जिसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा आपके पास जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास वन एस टू ठीक है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है बेटा इनका वो कम्प्लीटली फील्ड होगा ठीक है वैलेंस शेल जो होगा इनका कम्प्लीटली फील्ड होगा मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैसे इंक्लूडिंग देयर इनएक्टिव नेचर आर एस्क्राइब्ड टू देयर क्लोज शेल स्ट्रक्चर क्लोज शेल स्ट्रक्चर होगा इसलिए ये क्या होते हैं बेटा इनएक्टिव नेचर होता है इनका ठीक है अब दूसरी बात है आइनाशियन एन्थेरेपी अगर कम्पलीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा बेटा आइनाशन एन्थेरेपी क्या है कोई भी आपके पास एक एटम है ठीक है कोई एक एम है गैसियस में जब आप इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे उस एनर्जी को आइनाशन एंथेलपी बोलते हैं तो ये आपका एम प्लस बना लेगा गैसियस में और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए रिक्वायर्ड है बेटा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आइनाशियन एंथैल्पी बोल रहे हैं ठीक है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आयोनाश एनथेरेपी बोल रहे हैं तो अब देखिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कम्प्लीटली फिल्ड होगा उनके लिए आयोनशन एनथेरेपी तो सबसे ज़्यादा चाहिए होगी ठीक है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिस गैसेज एग्जिबिट वेरी हाई आयोनाशन एनथेरेपी ओके हाउ एवर इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटोमिक साइज लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा बेटा जैसे जैसे आपका क्या बढ़ता जाएगा साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता जाएगा आइनाश एनथेलपी क्या होती जाएगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी इसका क्या रीज़न है पहले आपने हीलियम था तो आप फर्स्ट शेल से रिमूव करवाओगे फिर आप सेकंड शेल से रिमूव करवाओगे इलेक्ट्रॉन फिर आप थर्ड शेल से रिमूव करवाओगे शेल नंबर अगर इंक्रीज होता जाएगा बेटा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी डिस्टेंस कम होगी तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर वो अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा तो आप कम एनर्जी देने पे भी इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हो वहाँ से रिमूव करवा सकते हो ठीक है एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो बेटा जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो आप टॉप टू बॉटम जाते हो जब बेटा जी ठीक है आप टॉप टू बॉटम जब मूव करते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर इंक्रीज़ होता है शेल नंबर क्या होगा बेटा इंक्रीज और अगर शेल नंबर इंक्रीज़ होगा आपका तो जो रेडियस होगी रेडियाई जो होगी बेटा वो भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि रेडियस क्या होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी उसको आप लोग क्या बोल रहे हो बेटा जी उसको आप लोग क्या बोल रहे हो उसको आप लोग रेडियस बोल रहे हो तो जैसे जैसे नए नए शेल्स ऐड होते जाएंगे तो जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा आपका इंक्रीज होता जाएगा ठीक है बात करें इलेक्ट्रॉन की नेंथेलपी की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल क्या है बेटा जी कि कोई भी गैशियस एटम है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं एनर्जी देनी पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करवाते हैं तो एनर्जी क्या होती है बेटा रिलीज होती है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा वहाँ क्या बन रहा था पॉजिटिव बन रहा था ठीक है यहाँ नेगेटिव बनेगा वहाँ क्या बन रहा था पॉजिटिव बन रहा था दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड देआर फोर बेटा इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो रखता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बट इन एलिमेंट्स का ऑक्टेट क्या है आपका कंप्लीट है इसलिए इनके अंदर ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है देर फोर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज देर फोर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी का वैल्यू होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी का वैल्यू क्या होगा इनका लार्ज पॉजिटिव होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी की बात करें तो वो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी का मतलब होता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और एक्जोथर्मिक में बेटा एनर्जी रिलीज होगी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एन एथेल्पी की नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है बेटा ऑल द नोबल गेसेज आर मोनो ठीक है जितने भी नोबेल गेसेज आपके पास है बेटा जी वो क्या है सारी की सारी मोनो है दे आर कलरलेस ओडरलेस एंड टेस्टलेस ना कलर होगा ना इनकी कोई स्मेल होगी और ना ही जब आप टेस्ट करोगे तो इनका कोई टेस्ट आने वाला है आपको ठीक है दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर पिटाजी देखो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको बोलना चाहूँगा पानी एक पोलर मोलिक्यूल है एच टू जो है आपका वो एक पोलर मोलिक्यूल है पोलर के अंदर पोलर मोलिक्यूल्स डिजोल्व होते हैं आपने सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन में पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक जो पोलर होगा वो पोलर में डिजोल्व होगा जो नॉन पोलर होगा बेटा वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा ठीक है तो पानी आपका एक पोलर मोलिक्यूल है तो इसके अंदर जो एन वगैरह डिजोल्व होंगे बट ये जो गैसेज है बेटा इनके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्सेज है ठीक है वीक डिस्पर्जन फोर्सेज है इनके अंदर इस वजह से क्या ये कोवलैंड फोर्सेज है डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स बोल सकते हैं अपन इनको इसलिए पानी के अंदर सोल्यूबल बहुत कम होते हैं यानी एक स्पेरिंगली सोल्य माइंड एक वेरी लेस अमाउंट सोल्यूबल होता है इनका दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एन बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटोमिक इंट्रैक्शन इन दीज एलिमेंट्स इज वीक डिस्पर्जन फोर्स बेटा इसको याद रखिएगा ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है मैं एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ याद रखना इनके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्स है इसी फोर्स को अपन लंदन फोर्स भी बोल देते हैं हीम हैज़ द लोवेस्ट बॉयलिंग पॉइंट ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस इट हैज़ एन अनयूजल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटीरियल सच रबर ग्लास और प्लास्टिक इनके थ्रू क्या हो जाता है बेटा हीलियम डिफ्यूज हो जाता है अब यहाँ देखिएगा बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जाम्पल में नोबेल गैसेज है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स वाई मैंने पहले डिस्कस कर दिया बेटा जी नोबेल गैसेज बिंग मोनो एटोमिक है नो इंटर एटोमिक फोर्सेज एक्सेप्ट weak dispersion forces and therefore they are liquefied at very low temperatures, hence they have low boiling points मैंने यहाँ पे discuss किया है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है weak dispersion forces इनके अंदर होते हैं अगर weak dispersion force होंगे force अगर weak होगा बेटा तो break करना easy होगा और boiling point में क्या करते हैं अपन जैसे आपका solid आएस है ice है ice पहले किसमें convert होगा liquid में तो ice के अंदर जो solid form में bonding strong है फिर आप लिक्विड में जाओगे बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी फिर आप गैस में कन्वर्ट करवाओगे बॉन्डिंग और भी वीक हो जाएगी तो अपन एक स्ट्रांग बॉन्डिंग से वीक बॉन्डिंग की तरफ मूव करते हैं जब अपन लोग बॉयल कर बॉयल करवाते हैं तो यहाँ पर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट है इनका तो इसका रीजन यही है कि उनके जो फोर्सेज है बेटा जी वो फोर्सेज कैसे हैं वीक फोर्सेज हैं ठीक है, है। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है उनको डिस्कस करूँगा बट बेटा आप मेरे साथ पढ़िएगा आपको इजीली क्लियर होगा एक एक वर्ड अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे को बताइएगा ठीक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप मेरे को बता सकते हैं थैंक यू लाइक एंड सब्सक्राइब